हाय दोस्त, मैं आपके साथ पतनु एंजॉय दी सेलेक्शन चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है या स्मार्टफोन है या टैबलेट है और आप कोई भी जगह जाते हैं तो उस जगह का पता लगाने के लिए आप जरूर उस पर जीपीएस इस्तेमाल करते होंगे फोन पे, ठीक है। तो दोस्त, आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि आपके फोन पे जो जीपीएस है ना, वो डायरेक्टली ऑफलाइन काम करता है, उसके लिए कोई नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास गूगल मैप का ऑफलाइन वर्जन है ना, तो वहां पे आप चला के देख सकते हैं कि जीपीएस के लिए कोई नेट नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे जीपीएस ना ही नेट ले रहा है, ना ही कोई वायर की जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीपीएस किस तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जीपीएस का एक वीक जोन भी है। शायद आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई पहाड़ी पे जाते हैं या कोई खाई पे जाते हैं तो वहां पे जीपीएस बहुत रॉन्ग पोजिशन दिखाता है, ठीक है। मतलब जीपीएस उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो इसका इतना गलत होने का चांस क्यों होता है, ठीक है, और इससे आप कैसे सही हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पर पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे। और दोस्त, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ कि जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप भी कीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, जीपीएस यहाँ पे आपको जो ट्रैक कर रहा है, मतलब आपका जो लोकेशन जो बता रहा है, इसके लिए नॉर्मली चार चीज की जरूरत होता है। एक है सेंडर, रिसीवर, सिग्नल और टाइम जोन। शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्त, सोचिए कि आपको कोई भी एक बड़ा प्लेग्राउंड पे आपका आंख बंद करके कोई भी एक पोजीशन पे छोड़ दिया गया, ठीक है, और आपको बोला गया कि आप इस ग्राउंड का जो साइज है वो मुझे बताओ, कितना बड़ा ग्राउंड है और आप कौन सा पोजीशन पे खड़े हैं। पर आप एक हेल्प ले सकते हैं, आप जो भी ओर से चाहते हैं उसी ओर से आपको पुकारा जाएगा, मतलब जस्ट आप साउंड का यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपको आपकी फ्रंट की ओर से पुकारा गया, मतलब सामने की ओर से, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां पे खड़े हैं, क्योंकि आपका पीछे भी और कितना बड़ा ग्राउंड है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो आपने सेकंड टाइम क्या किया, आप मुझे पीछे की ओर से पुकारो। तो अगर आपको सामने की ओर पीछे की ओर पुकारा गया तो वॉल्यूम का जो मतलब साउंड है ना, उसको आप सुन के थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको जहां पे छोड़ा गया उसका सामने की और पीछे की ओर कितना बड़ा ग्राउंड है, पर इतना नहीं लगा पाएंगे कि आपका साइड पे कितना है, कौन सा पोजीशन पे खड़े हैं, ओके। तो थर्ड टाइम आपने क्या कहा कि आप मुझे राइट साइड की ओर पुकारो, ठीक है। तो अगर आपको राइट साइड की ओर पुकारा जाए तो आप लगभग 90% अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आप कौन सा पोजीशन पे खड़े हैं और ग्राउंड कितना बड़ा है। जस्ट वो जो पुकारने का जो वॉल्यूम है ना, उसको सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्त, आप शायद एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जितना ओर से ज्यादा पुकारा जाएगा उतना आपका लोकेशन एप्रोप्रिएट अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीपीएस भी सेम तरीके से काम कर रहा है। जहां पे फोन है आप, जिसपे एक रिसीवर लगाया गया है जो कि जीपीएस का रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पुकार रहा है वो है सैटेलाइट, जो कि पृथ्वी से लगभग 20 माइल की ऊपर पे 24 आवर्स पृथ्वी के चारों ओर राउंड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सैटेलाइट है ना वो हर टाइम दो सिग्नल भेज रहा है। एक है उसका डिटेल्स, जो सैटेलाइट भेज रहा है उसका नाम, और सेकेंड भेज रहा है उसका जो टाइम जोन, मतलब कौन सा टाइम पे वो सिग्नल छोड़ रहा है। और दोस्त, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, सैटेलाइट पे जो टाइमिंग जोन सेटअप रहता है ना, वो नैनो सेकेंड पे सेटअप रहता है। मतलब फर्स्ट टाइम होता है सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। और यहाँ पे आपका फोन क्या कर रहा है, वो टाइम को रिसीव कर रहा है और सैटेलाइट का नाम रिसीव कर रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन कर रहा है कि वो कितनी टाइम पहले सिग्नल छोड़ा गया था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन से जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसके हिसाब से कितना दूर से वो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जो फोन है उस तरह से तीन सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर पाए, ठीक है, तो वो फोन आपका लगभग 90% अंदाजा लगा सकता है कि वो फोन कहाँ पे है। क्योंकि देखिए, अगर आपका फोन यहाँ पे है और तीनों ओर से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो आपका फोन वो जो टाइम है, टाइम स्पेंड हो रहा है सिग्नल भेजने के लिए, उसका कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगा सकता है कि वो सिग्नल कितना दूर से आ रहा है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपका फोन खुद का लोकेशन दिखा रहा है। मतलब आपका फोन खुद ही काम कर रहा है जीपीएस की रिगार्डिंग, ठीक है। और उस तरीके से और भी एक सैटेलाइट कनेक्ट हो जाए तो और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से जितना ज्यादा सैटेलाइट आपके फोन से कनेक्ट होगा उतना ज्यादा जीपीएस का सिग्नल और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जीपीएस कुछ जगह गलत क्यों दिखाता है, और इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जितना ज्यादा कम सैटेलाइट आपके फोन पे कनेक्ट होगा इतना ज्यादा जीपीएस का जो सिग्नल है उतना लॉस होगा। इसलिए मौसम के कोई गड़बड़ी हो या कुछ पहाड़ी पे खड़े हैं तो वहां पे सिग्नल लॉस होता है, तो जीपीएस आपका गलत दिखाता है। तो दोस्त, आशा करता हूं आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्त, अगर आपको इस तरीके का वीडियो और भी बाद में देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।